मोदी जी भी विकास की बात करते थे, आप भी विकास की बात करते थे, लेकिन अब सब लोग बात करें धर्म की, जाति की, बीफ की, गौमांस की, इन सब बातों से विकास का एजेंडा है वो तो पीछे रह गया। स्वाभाविक रूप से रहेगा, मगर कौन जिम्मेदार है? प्रदर जी, मेरा एक अनुरोध है कि आप भारतीय जनता पार्टी पर दोष मढ़ दिया जाता है, इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। कैसे देखेंगे? अगर वो ये बात कहें कि अगर बीफ खाना है तो भारत में मत रहिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। एग्जैक्टली कहा कि मुसलमान देश में रह सकते हैं लेकिन बीफ खाना छोड़ना होगा। तो सबसे पहले कौन गया? राहुल गांधी। उनको सवाल पूछा आपने? कांग्रेस पार्टी को पूछो भैया, बात का बटनगर बना रहे हैं, मगर मुझे ये बात का जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी को क्यों कटघरे में नहीं खड़ा करता? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, जो व्यक्ति गौ का मांस खाए उसको दंड देना चाहिए, उसके प्राण ले लेने चाहिए। कि जो आदमी इस तरह की बात है तो सरकार को ऐसे आदमी को पकड़ के जेल में तो डालना चाहिए। क्या हो रहा है? गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा दो, ये कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, उनके खिलाफ क्यों एक्शन लेते हैं? जी ऐसी पुरानी पुरानी बातें आप निकाल कर रखेंगे। जिन लोगों ने जाकर ये कहा कि हम गाय बचाने के लिए तन मन धन और गन से समर्थन करेंगे, कि वादा किया था महंगाई कम करेंगे, क्या आपने तो वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे लेकिन आए? ये बोलना ठीक नहीं है, ये बोलना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए लाने की बात, किसानों से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आत्महत्या के नंबर बढ़ता जा रहा है, किसान सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो अखबारों की सुर्खियां देखकर मुझे सवाल करेंगे तो ऐसा ही होगा जी। अखबारों की सुर्खियां तो अभी ये है ना, किसान तो आत्महत्या कर ही रहे हैं। मुझे लगता है ये सवाल कांग्रेस के नेतृत्व को पूछना चाहिए, उनकी जनता का तो नुकसान होगा। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। या फिर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी, लालू जी का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अमित शाह ने तंत्र मंत्र का षड्यंत्र करके उनके ऊपर पंखा गिरा दिया। मैं लालू जी को अपने ही बयानों को थोड़ा याद कराना चाहता हूँ। वो ही कहते हैं कि कौवा काटेंगे, कबूतर काटेंगे, चूहा भगाएंगे, हल्दी और उसका धुआं करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता, कौवा काटने से पानी आएगा क्या? कबूतर काटने से रोड बनेगा क्या? हल्दी और जो वो क्या होता है, सिंदूर क्या कुछ बोले थे, उसका धुआं करने से शिक्षा आ जाएगी क्या, या चूहा बगाने से रोजगारी आ जाएगी? मुझे मालूम है कौन से जमाने में लालू जी है। शुरू के दिनों में जब चुनाव हुआ था तो मोदी जी भी विकास की बात करते थे, आप भी विकास की बात करते थे, नीतीश कुमार भी बताते थे क्राइम के आंकड़े कितने हैं वो, लेकिन अब सब लोग बात कर रहे हैं धर्म की, जाति की, बीफ की, गौमांस की। देखिए आपकी लाइब्रेरी से सारे भाषण निकाल कर देख लीजिए, किसने गौ मांस का भाषण सबसे पहले, तो भाषण या इंटरव्यू बिहार में किया, आपको मालूम होना चाहिए लालू जी ने किया। अगर लालू जी ये कहते हैं गाय के मांस और बकरी के मांस में मूलतः कोई फर्क नहीं है, इस बात से देश के काफी बड़े हिस्से में लोगों की भावनाएं आहत होती है। लेकिन इन सब बातों से विकास का एजेंडा है वो तो पीछे रह गया। स्वाभाविक रूप से रहेगा, मगर कौन जिम्मेदार है? मैं आपके माध्यम से जनता को पूछना चाहता हूँ, किसने वहां पर बात की शुरुआत करी? और आप एक बार एक बांध को तोड़ देते हो, बाद में पानी कहां तक जाएगा उसका कोई कैलकुलेशन रहता है क्या? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आज वही फंसे पड़े, देखो उन्होंने बांध को तोड़ते वक्त तय करना था कि क्या होगा। लेकिन अभी जी कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, आप लालू जी को शैतान कहें? मैंने नहीं कहा ऐसा, मैंने कभी नहीं कहा। दादा जी हो तो दिखाइए जरा। और वो बार बार कह रहे हैं कि आपने मुझे शैतान कहा तो मैं आपको ब्रह्म पिशाच कहूंगा। लालू जी से कोई और अपेक्षा नहीं है। और आपको उन्होंने नरभक्षी कहा बार बार? चलिए वो कुछ भी कहते रहे, मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ। प्रदर जी मेरा एक आपको भी अनुरोध है कि आप इस तरह भारतीय जनता पार्टी पर दोष मढ़ दिया जाता है, इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। कैसे देखेंगे? अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति है वो ये बात कहें कि अगर बीफ खाना है तो भारत में मत रहिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। एग्जैक्टली कहा कि मुसलमान देश में रह सकते हैं लेकिन बीफ खाना छोड़ना होगा। वो ठीक है, ऐसा उन्होंने नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने खुद खेद व्यक्त किया है और पार्टी ने भी कहा है कि खट्टर जी के बयान के साथ पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। सबसे पहले कौन गया? राहुल गांधी गए। उनको सवाल पूछा आपने? वो तो बोलते ही नहीं है। मगर वो नहीं बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी को पूछो भैया, ये ठीक है उनके मुंह से शब्द निकल गया, उसको पकड़कर बात का बटनगर बना रहे हैं, मगर मुझे ये बात का जवाब दीजिए, इवन आपका चैनल भी समाजवादी पार्टी को क्यों कटघरे में नहीं खड़ा करता? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? काफी लोग तो ऐसे हैं जो मोदी क्यों चुने न जाए इसका एक पत्र पारित किए थे लोकसभा के चुनाव में, अब चुनकर आ गए तो हम क्या करें, जनता ने चुना है भाई। इसलिए कि एक परसेप्शन ये बना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, जो व्यक्ति गौ का मांस खाए उसको
दंड देना चाहिए और उसके प्राण ले लेने चाहिए। मैं दो हिस्सों में आपका सवाल है, दोनों हिस्सों का जवाब देता हूँ। नहीं, लेकिन आप क्या ऐसी बातों को करेंगे जो आदमी इस तरह की बात कहे, क्योंकि वेदों में भी मैंने चेक किया इस तरह की बात नहीं कही गई। तो सरकार को ऐसे एक आध आदमी को पकड़ के जेल में तो डालना चाहिए, क्या हो रहा है? गौ क्या करने वालों को फांसी की सजा दो, जो गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते आप? देखिए जी, ऐसी पुरानी पुरानी बातें आप निकाल कर रखेंगे तो बहुत सारा दोनों ओर की काफी चीजें सामने आएगी। जिन लोगों ने जाकर ये कहा कि हम गाय बचाने के लिए तन मन धन और गन से समर्थन करेंगे, मैंने कहा देखिए इस प्रकार के किसी भी बयान से भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। अमित जी वादा किया था महंगाई कम करेंगे और दाल हो गई 200 रुपए किलो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, खाना ना खाऊंगा ना खाली दूंगा, वो दाल के बाहर नहीं खाऊंगा। जी महंगाई के आंकड़े थे, महंगाई के आंकड़े हमारे बहुत नीचे चले गए। खुदरा महंगाई जो 7.7% रहती वो अभी अभी हाईएस्ट 4.8% पर आई है। मुझे निश्चित भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई को काबू करेगी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, क्यों नहीं कर रहे? एक ऐसा समय आया है कि अभी 200 रुपया दाल है, इससे कोई इनकार नहीं है और वो चिंता का ही विषय है, गंभीर चिंता का विषय है, मगर सरकार भी चिंतित है और एक्शन भी ले हैं। कि आपने तो वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, उसके लिए कानून भी बनाया, लेकिन आए तो पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये बोलना ठीक नहीं है। सारे एक्शन हुए हैं, विदेशों में जमा काला धन हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए लाने की बात विपक्षी दलों को एक राजनीतिक जुमला है। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। मैंने जो कहा था मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर उसका भागाकार कर दिया जाए, मतलब उसको डिवाइड कर दिया जाए, तो हर व्यक्ति के हिस्से में 15 लाख रुपया, इसका मतलब किसी के बैंक अकाउंट में जमा नहीं होता। रजत जी आप भी समझ सकते हैं, जब भाषण देते हैं इमोशनली, तब जो बोलते हैं उसका इस तरह का फुल स्टॉप कॉमा में मीनिंग नहीं निकलता। तो किस तरह से ये कह रहे हैं कि बगैर कॉमा फुल स्टॉप के वो रोज पूछने पादर वाला कब आएंगे? नहीं, ये पहले वो उनकी समझ पर डिपेंड है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार के खजाने से 15 लाख रुपया किसी के अकाउंट में किस तरह से जा सकता है? लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लोगों के मन में ये इंप्रेशन क्रिएट किया है, कांग्रेस ने भी किया है, लालू जी ने भी किया है, कि इन्होंने वादा किया था आपके 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे और पैसा आया नहीं। वो ठीक है, आज क्लियर हो जाएगा आपके माध्यम से। शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? और आपने किसानों से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आत्महत्या के नंबर बढ़ता जा रहा है, किसान सुसाइड कमिट कर रहे हैं। नंबर बढ़ा नहीं है, नंबर में 20% कटौती हुई। दूसरी बात, जहां तक किसानों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद सबसे बड़ा समस्या आकाश के आधार पर खेती करने वाले किसानों की होती थी। जो कुदरती आपदा जब आती थी तब कहीं के नहीं रहते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आकाश से खेती करने वाले किसान थे, मतलब बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया या उनकी फसल बह गई, तो उसको 1 हेक्टेयर तक ही मुआवजा मिलता था, उसको उन्होंने 2 हेक्टेयर कर दिया, मतलब 100% का वृद्धि किया। दूसरा, पहले 50% का नुकसान किसान का होता है तो ही उसको मुआवजा दिया जा सकता था, उसको घटाकर हमने 33% कर दिया, मतलब 42% किसान बढ़ गए मुआवजा लेने वाले, और मुआवजे की राशि के अंदर एक ही वक्त में 50% का वृद्धि किया है। मैं मानता हूँ रजत जी, इससे बड़ा किसानों के लिए कोई अच्छी बात देश के किसानों के लिए नहीं हो सकती। मगर आप अखबारों की सुर्खियां देखकर मुझे सवाल करेंगे तो ऐसा ही होगा रजत जी, वास्तविकता ये है। अखबारों की सुर्खियां तो आत्महत्या कर रहे, बीड में, महाराष्ट्र में, उसमें भी आंकड़े आप कंपेयर कर लीजिए रजत जी, कटौती हुई 20%, और फिर भी एक भी किसान आत्महत्या करता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि मीडिया ने ये सवाल कांग्रेस के नेतृत्व को पूछना चाहिए और कांग्रेस अध्यक्ष को पूछना चाहिए, नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए। कांग्रेस के मीडिया में करेज होनी चाहिए, उसको किसी भी चीज में आप साथ नहीं देंगे। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले में उतरती हो, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन देश की जनता का तो नुकसान होगा। हाँ देश की, मगर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है।